हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक अपना गीजर। अपन को गीजर कौन सा लेना चाहिए, कितनी प्राइस तक का आएगा, कौन सा गीजर कितने रुपए का आएगा और कौन कौन सी उसमें खूबियाँ होती हैं, किस वजह से गीजर महंगा होता है और किस वजह से सस्ता होता है, इसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। आज आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है और आपको समझना है कि अपन को गीजर कौन सा लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार मैं गीजर अपने किचन के लिए बताऊंगा कि गीजर किचन के लिए कौन सा लगाएं, अपने जो वाश बेसन है उसमें गर्म पानी आए उसके लिए अपन कौन सा गीजर लगाएं दोस्तों। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा दोस्तों 3 लीटर का गीजर। हाँ दोस्तों, 3 लीटर का गीजर आप कोई सी भी कंपनी ले लेना है, इंडो हो, क्रॉम्पटन, बजाज, बहुत सारी कंपनियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये है कि जितना ब्रांड के हिसाब से लोगे उतना महंगा आएगा। आपको 3 लीटर का गीजर बाज़ार में 2800 रुपये, 3000 रुपये, 3500 रुपये और 4200 रुपये तक का आपको नॉर्मल रेट पे आराम से मिल जाएगा दोस्तों। और आगे आता है दोस्तों 3 लीटर के बाद 5 लीटर का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 का लगवाना चाहो या 5 का लगवाना चाहो। उसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं सीधे बाथरूम में। अपन को बाथरूम में चाहिए होगा दोस्तों गीजर, तो बाथरूम में अपन कौन सा गीजर लगवाए दोस्तों। बाथरूम में अपन या तो 10 का या 15 लीटर का या 25 लीटर का गीजर लगवाते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर जो लगवाते हैं दोस्त वो होते हैं 10 लीटर का गीजर। आप 10 लीटर के गीजर में भी देखते होंगे कोई गीजर आपके आपके घर में 3500 का आ रहा है, कोई गीजर 6000 रुपये का आ रहा है, क्या डिफरेंट है? तो दोस्तों इसके अंदर जो डिफरेंट आता है वो कंपनी का आता है, ब्रांड का डिफरेंट आता है। और इसके अलावा ब्रांड के अलावा उसमें होती है एक जो उसका टैंक है, ग्लास है, वो कौन सा है। एक जो ग्लास होता है स्टील का होता है, नॉर्मल जो ग्लास होता है दोस्तों वो एक तो, और दूसरा जो ग्लास होता है दोस्तों वो होता है जो टैंक होता है वो ग्लास का होता है। एक तो नॉर्मली ही स्टील का टैंक होता है और एक ग्लास वाला टैंक होता है, उसमें ग्लास की लेयर होती है, वो थोड़ा महंगा आता है। वो महंगा इसलिए आता है कि उसका जो टैंक है वो गलता नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होता उसका टैंक, लॉन्ग टाइप में होती है। और दोस्तों इसके जो एलिमेंट की जो गारंटी आती है नए गीजर की, वो 2 साल की आपको गारंटी देखने को मिलती है। बहुत से गीजर है जो 5-5 साल की गारंटी भी देते हैं। आई होप तुम समझ रहे होंगे कि अपन गीजर कितने तक का लगवाएं। आप नॉर्मल ही 3500 रुपये का गीजर 10 लीटर का लगवा सकते हैं अपने घर में। और यदि आप इंडो की बात करें तो 4000 के समथिंग आएगा 10 लीटर का। यदि आप क्रॉम्पटन की बात करें तो ये समथिंग 4800-5000 के समथिंग आएगा। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको देखिए कन्फर्म रेट तो मैं बताऊँगा नहीं यूट्यूब पर, क्योंकि आपके पास में टेक्नीशियन जब बेचता है तो अलग अलग रेट आपको देखने को मिलेगी। अब यदि मैं आपको जो मार्केट की जो फिक्स रेट है यदि वो बता देता हूँ तो मेरे ऊपर कमेंट्स आने लग जाएंगे टेक्नीशियन के कि आप तो ये काम करके हमारा बिजनेस ठप कर रहे हो। तो दोस्तों मैं ऐसा काम करूँगा नहीं कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। हाँ दोस्तों, मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि आप पहले मार्केट में ट्राई करें, जो आपको सस्ता दे रहा है, अच्छा माल दे रहा है, उससे लगवाएं। आप पैसे भी मत जाना दोस्तों, लेकिन माल अच्छा लगवाना, क्योंकि पता चले कि आपका 2 साल में इतना ख़राब हो गया कि सुधरने लायक ही नहीं है, ऐसा तो आप लेना नहीं। बिल्कुल पैसे एक बार लगते हैं, अच्छा ही ले। बाथरूम के लिए 10 लीटर का या 15 लीटर का पर्याप्त होता है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, एक आप चाहते हो कि मेरा एक साथ में ही इतना गर्म हो जाए कि हम 2 लोग एक साथ में नहा लें, तो आपको 25 लीटर का लगवाना पड़ेगा। यदि आपकी फैमिली 5 या 7 के आसपास है तो आपके लिए 10 लीटर का बेस्ट है दोस्तों। उसकी जो रोड आती है एलिमेंट, वो 2 किलोवाट का आएगा। और जो 3 लीटर का आता है उसका एलिमेंट आएगा 3 किलोवाट का। और जो 10 लीटर से स्टार्ट होते हैं ऊपर के आते हैं उनका जो एलिमेंट आता है 2 किलोवाट का। इसमें दोस्तों बहुत डिफरेंट है। मैं आपको 3 किलोवाट और 2 किलोवाट में क्या अंतर है ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। आप वीडियो पूरा देखना और अब आप समझ गए होंगे कि अपन को कौन सा गीजर लेना चाहिए। ट्रांसपेरेंट में आता है दोस्तों एक गीजर, और एक आता है ग्लास में, अंदर स्टेनलेस ग्लास, वो महंगा आएगा दोस्तों। और जो स्टील का आता है वो तो आप समझते ही हो, बिल्कुल नॉर्मल रेट मैंने आपको बताया है। आई होप समझ गए होंगे। वीडियो लाइक करना दिल से कर रहा हूँ, और शेयर ज़रूर करें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।